हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी। पानी पूरी का नाम सुन के ही मुँह में पानी आ जाता है ना फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। तो दो कप आटा, व्हीट फ्लोर लिया हमने, वन कटोरी सूजी, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये सब मिक्स कर लिया है हमने प्रॉपरली। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको टाइट आटा इसका गूथेंगे। पूड़ियों से भी ज़्यादा टाइट आटा हमको इसका गूथना है। जितना आटा टाइट रहेगा हमारी पूरी उतनी ही क्रंची बनेगी। हमने इसका टाइट आटा लगा लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, पूड़ियों से टाइट आटा लगा के रखा है। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको ग्रीस करेंगे, इससे थोड़ा आटा हमारा चिकना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मस लेंगे एक मिनट तक। इसको थोड़ा अच्छे से इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे। जितना आटा मस लेंगे हमारी पूरी उतनी ही अच्छी फूलेंगी और क्रंची भी बनेगी। अभी इस आटे को हम ऐसा गोलाकार रूप देके गीले कपड़े से इसको हाफ एन आवर के लिए ढक के रख देंगे। ये हमने अच्छे से इसको ढक दिया है। आफ्टर हाफ एन आवर ये हमारा आटा रेडी है पूरी बनाने के लिए। अभी हम इसमें, ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है ऑयल हीट करने के लिए। जब तक हम इस आटे को एक मिनट तक ऑयल डाल के थोड़ा सा और मथ लेंगे, थोड़ा सा और मैश कर लेंगे इसको अच्छे से। तो हम इस आटे को अच्छे से मैश, ये हमारा आटा अच्छे से मैश हो गया। अभी हमने एक बड़ी सी लोई लिया है और इसको पतला बेल लेंगे, जितना पतला हो सकता है। इसको हम पूरा अच्छे से पतला बेल लेंगे, जितना पतला बेलेंगे उतना हमारी पूरी अच्छी लगेंगी खाने में। पूरा पटे पे हम इसको फैला लेंगे। इतना पतला बेलना है कि नीचे का पट्टा दिखने लगे। ये देखिए, हमने ये शेप कर लिया है। इससे हम कट कर लेंगे। आपके पास पानी पूरी कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। हमारे रेडी हो गए हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ का कटर लिया था क्योंकि बच्चों के लिए आसान रहता है खाने के लिए, क्योंकि ये फूल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए साइज़। ये मैं सारे गीले कपड़े में निकाल के एक प्लेट में मैंने गीला कपड़ा रखा है उसमें सारी पूरियाँ डाल लूँगी। अभी मेरा ऑयल हीट हो गया है, अभी एक एक करके हम इसमें पूरी डालेंगे। ये देखिए, और थोड़ा सा ऐसे इसको चलाएंगे और पलटेंगे। ये देखिए कितनी सारी पूरी हमारी अच्छे से फूल रही हैं। ये देखिए कितने अच्छे पूरी बन रहे हैं, मस्त फूल भी रही हैं सारी पूरीज।
ये देखिए हम एक एक करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। और फ्लेम हमेशा पहले हाई रखना है, फिर हमको मीडियम कर लेना है। जब डालेंगे तो हाई रहेगा, फिर हमको सेकना इनको मीडियम पे है। ये हमारी सारी पूरियाँ फूल गई हैं, अब हम इनको अच्छे से निकाल लेंगे। ये हमारी पूरियाँ सिक गई हैं, अभी हम एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे। ये देखिए ये फूलने के साथ साथ बहुत क्रंची भी हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, क्रंची भी हैं, फूली भी हैं। मैंने सारी पूरियां बना के रेडी कर ली हैं। ये देखिए कितना क्रंची हैं ये। ये देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।